एकटा निवेदन अपने सबसे छै कि बेटा हमरा कोई नहीं लेगा, लेकिन न्यायो अपने सब दे दिया ये भी खुशी के फोन कर कोई सिस्टम अच्छा भी है और लोग सब भी रहे। सवा आठ बजे के लगभग महिला कांस्टेबल एले मोटरसाइकिल से। मंत्री जी शशि यादव टीचर का संदेहास्पद मौत हुआ है, क्या कहेंगे और अपने स्तर से क्या आप? जितनी जानकारियां परिवार वाले से मिल रही है, फिर जो शुभचिंतक हैं सहरसा के और लोग जो बोल रहे हैं, तो ये गंभीर जांच का विषय है। कौन दोषी है ये जांच के बाद ही सामने आएगी चीजें, तो उच्च स्तरीय जाँच इसकी होगी और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है कि हम अपने समाज के और परिवार के जिज्ञासा को इंसाफ मिले कि विधुत दुर्घटना है या घटना है या कारित कराया गया है, तो स्पष्ट जांच जब होगी तो पता चलेगा। मैं बात करूंगा ऊपर। परिजन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जी पुलिस के द्वारा उसकी हत्या की गई है, क्या करेगी? तो ये सामने है ना बात, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। क्या वो पुलिस पर कार्रवाई हो सकती है? तो कहने होगी जब जांच के बाद जो प्रतिवेदन आएगा, निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी, सरकार का ही ना काम। आपकी ओर से क्या पहल किया जाएगा? पुलिस जांच करते हैं, यही ना जांच करवाने के लिए पहल करेंगे। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली होने वाली है, उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हो रही है, क्या कहेंगे इसको? इसके बारे में तो हमारे पार्टी के प्रवक्ता रणनीतिकार बोलेंगे, सरकार के पक्ष से भी बोलने का अवसर नहीं है। दूसरे इस तकलीफ देह स्थिति में आए हैं तो लगता नहीं है कि समयाचीन है इस समय गमगीन माहौल में राजनीति बात करना, लेकिन फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि इसके लिए पार्टी अधिकृत है, हमारे पार्टी नेतृत्व इस पर कुछ है, पार्टी के प्रवक्ता पार्टी के नेतृत्व करता इस पर समुचित समय पर समुचित बयान देंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।